डिडवाना भाजपा मंडल अध्यक्ष ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर बताया कि मेगा हाईवे लाडनू रोड पर आरओबी पुलिया कई जगह से क्षतिग्रस्त होते हुए टूट चुकी है और हालात काफ़ी खराब हो चुके हैं। स्थानीय सार्वजनिक निर्माण विभाग और रिडकोर को सूचित करने के बाद भी पुलिया को सही नहीं किया गया, जिसके चलते दुर्घटनाओं की संभावना हर समय बनी रहती है। उन्होंने तुरंत पुलिया को दुरुस्त करवाने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि काम नहीं होने की दशा में आगामी 12 सितंबर को भाजपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचकर रास्ता अवरुद्ध करते हुए विरोध प्रदर्शन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन एवं स्थानीय सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों की होगी। डीरोड़ा मेगा हाईवे पर लाडनू की ओर जाने वाली रोड पर बने आरओबी जो कि पूरी तरह से टूट गया है, और जिसको लेकर हमने पहले भी यहाँ के स्थानीय प्रशासन को, पीडब्ल्यूडी को, रिडको को लिखित में, मौखिक में कई बार अवगत कराया कि यह पुलिया पूरी तरह से टूट चुका है, जिसके कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक ट्रक का एक्सल टूटने से एक ट्रक एक्सीडेंट हो गया, आदमी को बड़ी क्षति हुई, और बार बार ऐसे रोज हादसे देखने को मिल रहे हैं। फिर भी यहाँ के स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभाग को कार्रवाई नहीं कर रहा। इन सब बातों को ध्यान में रखकर हमने आज कलेक्टर महोदय नागौर को एक पत्र लिखा है। यदि इसके बाद में भी कोई संबंधित विभाग कार्रवाई नहीं करता है तो आने वाले सोमवार को 12 तारीख को बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आमजन की भावनाओं को देखते हुए इस आरोपी के मरम्मत के लिए हम बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन देंगे, क्योंकि जब कोई बात प्रशासन सही तरीके से नहीं सुनता है तो लोगों को सड़क पर उतरना पड़ता है, और हम निश्चित तौर पर आमजन की भावनाओं को देखते हुए सड़कों पर उतरेंगे और लोगों के सुविधा के लिए बड़ा कदम उठाएंगे।